अलीगढ़ की समाजवादी पार्टी की महिला सभा की महानगर अध्यक्ष रुबीना खानम ने कहा है कि अगर ये स्थान पहले हिंदुओं का रहा है तो इसे वापस कर देना चाहिए। उन्होंने अपने धर्म गुरुओं से अपील की है कि अगर ये प्राचीन काल में मंदिर था तो इसे जबरन तोड़कर कब्जा किया गया है, तो यहां नमाज अदा करना हराम है। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। सच्चाई सामने आने के बाद मुस्लिम पक्ष हिंदुओं के पक्ष में इस दावा छोड़ देना चाहिए। जो ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। लेकिन इसके लिए मैं भारत सरकार से ये अपील करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसकी उच्च स्तरीय और न्याय के तरीके से इसकी जांच कराएं और अगर ये दावा सही निकलता है तो ये जमीन हिंदू पक्ष को जानी चाहिए।